अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब इजीली हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रस्ट लेवल चेक करवाती हूँ कि स्कैमर वेस पर। आपको सबसे पहले इसका स्कोर दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम बताती हूँ, simplyhired.com, और आपको ट्रस्ट लेवल यहाँ पर चेक करवा देती हूँ। ट्रस्ट रेटिंग इज हाइट, ये फुल सेफ है। आप यहाँ पर इजीली वर्क कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आपको लेके जाते हैं उस वेबसाइट पे जहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर आपने जॉब टाइटल्स लिखने हैं, डाटा एंट्री। आपने पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाकर यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ना आपने यहाँ पर आना है, थ्री डॉट्स में यहाँ पर जॉब स्क्रॉल में जाना है, और यहाँ पर जाकर आपने ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाकर आपने ये पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप डेटा एंट्री स्किल लिखेंगे, और आप कंट्री स्टेट लिखने के बजाय आप यहाँ पर रिमोट लिखेंगे। यहाँ पर रिमोट लिखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कोई भी इससे रिलेटेड जो भी जॉब होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप को दिखा देती हूँ। डाटा एंट्री क्लर्क है, यहाँ पर US बेस्ड है, और सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर डिटेल्स दी होती है। मैं आपको एक जॉब ओपन करके दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट जो है जॉब डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की है, और जो सेकंड वाली है वो आपको दिखा देती हूँ। आप डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट ये हम ऑपरेटर वाली ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया है दूसरे ब्राउज़र में, तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने जॉब डिटेल्स बताई हुई हैं। उनको फुल टाइम चाहिए, और उन्होंने अभी जॉब से पोस्ट की है, 17 आवर्स इनको हो चुके हैं, और ये कितना पे कर रहे हैं, $18.16 पे कर रहे हैं पर आवर के। तो इनको क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, कस्टमर सर्विसेज चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। और उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो आप इस पर भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई हैं, तो आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आपको क्विक अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आपको फर्स्ट पे भी शो हो रहा है और लास्ट पे भी शो हो रहा है, तो आप इसको इस पर कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना रेज्यूमे देंगे अपलोड। अगर आपके पास रेज्यूम नहीं है, आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पर इस पर यहाँ पर लेकिन शो नहीं हो रहा विदाउट रेज्यूम्स का, आपको यहाँ पर रेज्यूम देना पड़ेगा। तो अपलोड रेज्यूम्स वो कुछ और जॉब में होता है जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप विदाउट रेज्यूम भी इस पर फिल आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना रेज्यूम यहाँ पर सेंड कर देती हूँ। ये मेरा रेज्यूम मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर इसको मैंने रीलोड कर देती हूँ, इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। आप यहाँ पर एक जॉब्स को अप्लाई नहीं कीजिएगा, यहाँ पर 10-20 से ज़्यादा जॉब्स को अप्लाई कीजिएगा, तो आपको किसी न किसी जॉब्स पर ईमेल आ जाएगी। क्योंकि तो एक दफ़ा ऐसा भी होता है यहाँ पर लोगों ने पहले से ही यहाँ पर अप्लाई कर दिया होता है और आप बाद में आते हैं, इसलिए फिर आपको आप ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करते हैं ताकि आपको चांस मिले कि आप दूसरी जॉब पर यहाँ पर अर्न कर सकें और आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। यहाँ पर क्वेश्चन फॉर एम्प्लॉयर डिज़ायर पे ये ऑप्शनल है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह लिख दें, अपना प्रोविंस लिख दें, यहाँ पर पंजाब। अगर आपको पोस्टल और जिप कोड नहीं पता तो आप यहाँ पर गूगल से जाके अपने कंट्री का नाम, अपने सिटी का नाम लिख के यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं। अगर आपके सिटी फैसलाबाद है तो आप फैसलाबाद पोस्टल कोड लिख लेंगे, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर लिंकडिन URL अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको ना भी ऐड करें। डेट अवेलेबल्स ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और वेबसाइट ब्लॉग और पोर्टफोलियो अगर आप डालना चाहें तो आप ये भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आप यहाँ पर रिव्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया,
तो ये हमारी आप देख सकते हैं कि हमारी डिटेल्स एडिट हो चुकी हैं। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पर आप एडिट पे जाकर इसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई और रेज्यूमे डाल दिया तो एडिट में जाकर इसको आप अपने रेज्यूमे चेंज कर सकते हैं और वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन करवा देते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, हमें ईमेल आएगी, ईमेल हमें यहाँ पर हमारी ईमेल पे आएगी, तो हम यहाँ से ईमेल आएगी तो यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से और कब हम यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अल्लाह हाफिज़।